हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज डेट है 8 मार्च 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग डेली न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबको वीमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और एक बात आप हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, कि वीमेन आपकी फ्रेंड हो, मित्र हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, ठीक है, या पत्नी हो, माता हो, मम्मी हो, ठीक है, इन सब का आदर आपको हर फॉर्म में करना चाहिए। तो चलिए, अभी प्रधानमंत्री सी इंस्पायर अस नाम से हैशटैग चला रहे हैं यूट्यूब ये ट्विटर पे, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहल है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशियन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन ओशियन कमीशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विच एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशियन आइलैंड। तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो वेस्ट इंडियन ओशन में जो आइलैंड है उसके इंटरेस्ट को संरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना। सेकेंड है, इट कंसिस्ट ऑफ मडागास्कर, कैमरोस, ला रियूनियन जो फ्रेंच टेरेटरी है, मॉरिशस, सेशेल्स एंड इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इंडिया जो है इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, ना कि इसका मेंबर है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडियन ओशन कमीशन है इसमें कैमरोस है, रियूनियन आइलैंड है, मॉरिशस है और सेशेल्स है, इंडिया नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि ये कमीशन के पास जो है 5 ऑब्जर्वर भी है इस कमीशन के, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड एक जो है फ्रेंच उपनिवेश है वो। तो अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेट हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर मडागास्कर है, ये मोजाम्बिक चैनल है, तो यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ पे रियूनियन है, यहाँ पे मडागास्कर है, सेशेल्स है, कॉमोरोस है, तो ये सब इसके मेंबर स्टेट है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्राम सभा कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्राम सभा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट्स अ परमानेंट बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, एंड सेकेंड इज इट्स पावर एंड फंक्शन आर टू बी डिफाइंड बाई स्टेट लेजिस्लेचर। तो ग्राम सभा को क्या शक्तियाँ मिलेंगी, क्या इसके कार्य होंगे, ये सब किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, विधानसभा के द्वारा। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। आपके ऑप्शन है ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्राम सभा आया है तो एक बार हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिया है, डायरेक्ट किया है कि वो अपने पंचायत में स्पेशल ग्राम सभा या महिला सभा का आयोजन करेंगे। ये किस लिए हुआ है, क्योंकि आज जो है 8 मार्च है और ये इंटरनेशनल वीमेन डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल वीमेन डे का आज का थीम भी देख लेते हैं, वो है जेंडर इक्वालिटी रियलाइजिंग वीमेन्स राइट, ठीक है। तो ये है, तो है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज आया कब था, तो पंचायती राज आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, और इसके अंतर्गत महिलाओं के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो कहा गया है कि हर एक पंचायत में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। और इसी के रिगार्डिंग जो भारत के 20 स्टेट हैं उन्होंने अपने पंचायत में 50% सीट जो है रिजर्व कर दिया है महिलाओं के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा का जो जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243B में किया गया है, और ये एक प्राइमरी एंड परमानेंट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम की। इसका जो डिसीजन होता है वो ग्राम सभा के सारे डिसीजन जो होते हैं इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर इसके हो सकते हैं, तो वो किसी भी पंचायत के जितने भी वोटर होते हैं और जो 18 ईयर्स ओल्ड से ऊपर के एज के हैं, ठीक है, और उनका नाम इलेक्टोरल जो फॉर्म होता है यानी जो निर्वाचन नामावली होता है उसमें है, तो वो सब क्या होंगे, पंचायत ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और इसको जो पावर डिफाइन किया जाता है वो पावर डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। डैट मीन्स ग्राम सभा जो है वो आता है स्टेट लिस्ट में। आई होप यू गॉट क्लियरिटी, चूँकि ये जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो किशोरियों के लिए एक योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकेंड इज द टारगेटेड ग्रुप ऑफ द स्कीम इज ऑल एडोलसेंट गर्ल इन द एज ऑफ ग्रुप 11 to 18। एंड थर्ड इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द आंगनवाड़ी केंद्र अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 3 ओनली और 1, 2 and 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। क्योंकि ये जो है, अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो टोटल फंड दिया जाता है वो टोटल फंड दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार को ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने स्टेट में जो है इसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसके अंतर्गत इसको पूरे देश में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 3 रीजन में बांटा जाता है। एक तो हिमालयन रीजन या हिली एरिया, एक जो है प्लेन एरिया और एक जो है यूटी। ठीक है, तो हिली एरिया में क्या होता है कि 90% जो फंड होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। एक बार यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। ठीक, तो हिली एरिया में जो है 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट। प्लेन एरिया में जो है ये 60-40 का रेशियो होता है, और जो यूटीज होते हैं उसमें 100% जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है बल्कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा है कि ये जो योजना है वो सभी किशोरियों को टारगेट नहीं करता है, बल्कि ये जो है सिर्फ वो उन किशोरियों को टारगेट करता है जो आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, और उनको प्रोत्साहित करता है, इनक्रेजियस देता है कि वो जो है फिर से स्कूल जाए और अपना जो है वोकेशनल कोर्स कर ले, स्किलफुल हो जाए। तो इस हिसाब से जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आंगनबाड़ी केंद्र, और आंगनबाड़ी केंद्र जो आता है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मोटिवेट करता है उन किशोरियों को जो अपना स्कूल छोड़ दी हुई हैं, और उनको ये बोलता है कि आप जो है फिर से फॉर्मल स्कूलिंग कीजिए और वोकेशनल या स्किल ट्रेनिंग कोई प्रोग्राम कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो FCRA के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है इंडिया में तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ये किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकेंड है, द कंट्रीब्यूशन मेड बाई NRI इज़ नॉट द ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो कोई नॉन रेजिडेंस इंडियन है अगर वो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स को चंदा देते हैं तो उसको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में नहीं माना जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, योर ऑप्शंस आर 1 ओनली 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, कच्चा टीबू आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, योर ऑप्शंस आर ए पाक स्टेट, बी अंडमान सी, सी पंबा रिवर एंड डी लक्षद्वीप सी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पाक स्टेट, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अब इसका एक बार आप जो स्टोरी है वो जान लीजिए कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। तो कोई बहुत, अभी सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो ये रहा पाक स्टेट है, ये यहाँ पे पाक स्टेट है, और ये रहा आपका कच्चा टीबू द्वीप, इधर तमिलनाडु है और इधर जो है वो श्रीलंका है। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरी है कि 1874 के आसपास क्या हुआ कि ये जो रामनाथपुरम में एक रामनंद नाम के राजा रहते थे, तो ये तमिलनाडु के थे, तो यहाँ पे है रामनाथपुरम। तो यहाँ का जो राजा था वो इस पूरे एरिया पे कवर किया हुआ था, ये इनके टेरिटरी में था, इनके अधिकार में था। तो उस समय जो फिशरमैन थे या मछली पकड़ने वाले थे तो वो मछुआरे क्या करते थे कि यहाँ पर आराम से पाक स्टेट में मछली पकड़े और कच्चा टीबू द्वीप जो था या आइलैंड जो था वहाँ पे अपने जाल को सुखाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने रामनाथपुरम को जीत लिया, और उसके बाद में सबसे पहले तो ये जो है ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्टर्ड किया कच्चा टीबू आइलैंड को, और उसके बाद ये जो है श्रीलंका को इन्होंने दे दिया कि आप जो है यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाइए। तो उसी समय से ये विवाद है, इंडिया बोलता है कि ये मेरा है और श्रीलंका बोलता है कि ये मेरा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ओवरसीज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन कंपनीज ओवरसीज के बारे में बताना है कि जो सेंसेक्स में इनकी जो लिस्टिंग होती है इंडेक्स में, तो स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है करेंटली ऑल इंडियन कंपनीज कैन डू डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन फॉरेन ज्यूरिडिक्शन। तो अभी जो है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन, और वो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट है अ डिपोजिटरी रिसिप्ट इज अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड ऑन द इंटरनेशनल एक्सचेंज इशूड बाई फॉरेन डिपोजिटरी टू ए डोमेस्टिक कस्टोडियन एंड इंक्लूडिंग GDR। अब देखिए, एक होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट और दूसरा होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो करेंसी होती है, तो इसके जैसे अमेरिकन, कोई व्यक्ति अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट उसके पास है तो वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है, और GDR किसी के पास है तो वो दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है। तो यहीं ये बात बोला है कि ये एक तरीके का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे फॉरेन करेंसी और इंटरनेशनल एक्सचेंज में मदद मिलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉर टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली, क्योंकि अभी जो है सिर्फ प्रपोजल और ड्राफ्टिंग की गई है एक बिल की, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जितनी भी फॉरेन कंपनी, जितनी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज है लिस्टेड, वो जो है सीधे अब फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में होंगी। ठीक है, तो ये अभी ड्राफ्ट है, ये अभी पास नहीं हुआ है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। यहीं आप देख सकते हैं इसके द्वारा जो होगा, जो कंपनीज एक्ट है 2013 की, उसके सेक्शन 1323 में संशोधन किया जाएगा। उसके बाद जो ये बिल है वो प्रोविजन करता है, यहाँ पर आप ADR के बारे में देख सकते हैं कि अमेरिकन जुडिशरी रिसिप्ट होता है, अभी कुछ भारतीयों के पास ये है और कुछ लोगों के पास GDR है। ठीक है, तो जब ये बिल पारित हो जाएगा तो ये सीधे जो है इनलिस्टेड हो जाएंगे इंडियन में भी और फॉरेन में भी, तो इसी के रिगार्डिंग है ये। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द एंडोफाइटिकिनो बैक्टीरिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एंडोफाइटिकिनो बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है कि जो IASST गुवाहाटी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग का एक तरीका ईजाद किया है जो एंटी फंगल एक्टिविटीज़ और जो ये बैक्टीरिया है इससे रिलेटेड है, और ये टी प्लांट से रिलेटेड जितने भी पौधे हैं जैसे जिनेरा, यूरिया, इन सबको जो है ग्रोथ करने में मदद करेगा। ठीक है, सेकेंड है अप्लीकेशन ऑफ इंडोफाइटिक एंटी बैक्टीरिया कुड रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर एंड फंगसाइड इन टी प्लांटेशन। तो इसके यूज से क्या होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता था टी प्लांटेशन में और एंटी फंगस का यूज किया जाता था वो अब कम हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। तो आप सिर्फ याद रखिएगा कि एंडोफाइटिकिनो बैक्टीरिया जो है वो किससे रिलेटेड है, वो टी प्लांटेशन से रिलेटेड है, और इसका जो खोज है वो किसने किया है, ये कहाँ के रिसर्चर्स हैं, तो ये जो रिसर्चर्स हैं IASST गुवाहाटी के हैं। जैसे इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट को। एट क्वेश्चन है, हु वाज द गौरा देवी रिसेंटली सीन इन न्यूज। आपके ऑप्शन है ए चिपको एक्टिविस्ट इन द हिमालयन, बी फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन, सी फर्स्ट फीमेल एम्पिट्यू टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, एंड डी फर्स्ट एशियन वीमेन टू विन द टाइटल मिस वर्ल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चिपको एक्टिविस्ट इन द हिमालयाज। ठीक है, जो गौरा देवी थी ये उत्तराखंड के रानी गांव की निवासी थी, और वही हाल फिलहाल में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, वो उत्तराखंड से ही हैं। तो उन्होंने एक पेड़ रोपा है इन्हीं के नाम पर, एक पौधा का प्लांटेशन किया है, तो इसीलिए ये चर्चा में तो थी, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, विवाद से विश्वास बिल 2020 कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि विवाद से विश्वास एक स्कीम चलाई सरकार ने 2020-21 के बजट में, तो वो किसके लिए है? डायरेक्ट टैक्स के लिए है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द बिल डिफाइन एन एपिलियंट एज द इनकम टैक्स अथॉरिटी और द पर्सन और बोथ हु अपील्स इन पेंडिंग बिफोर द एनी एपिलियट फोरम एज ऑन January 31st, 2020। तो ये जो है बिल डिफाइन करता है एपिलियंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को, कि अगर उनका कोई भी विवाद जो है किसी भी एपिलियट ज्यूरिडिक्शन के पास में है तो सिंगल जगह ट्रांसफर हो जाएगा 31 January 2020 से पहले। ठीक है, सेकेंड है वंस अ डिस्प्यूट इज रिजॉल्व द डिजिग्नेटेड ऑथोरिटी कांट
लिवाई इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी इन रिलेशन टू दैट डिस्प्यूट। तो अगर एक बार ये जो जो डिस्प्यूट है ये अगर सोल्व हो जाता है तो उसके बाद कोई भी उस व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड चार्ज इंटरेस्ट ये जो है आरोपित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका ऑप्शन है ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू। अब एक बार आप ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए इस बिल का क्या है कि सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये जो है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से रिलेटेड है, जितने भी केस पेंडिंग है, डिस्प्यूट पेंडिंग है, उसको सिंपली और स्पीडी मैनर में क्लियर करेगा। इसके लिए एक DRT बनाया जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब ये कहीं भी किसी भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अगर कोई केस पड़ा हुआ है तो उसके लिए सिंगल विंडो DRT बनाया जाएगा और उसमें जो है आयुक्त लेवल का एक अधिकारी होगा जो इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएगी, मतलब कि जो भाग दौड़ होती है अभी बहुत सारे, जैसे इंडिया में जो है डायरेक्ट टैक्स के जो केस है तकरीबन 10 लाख केस जो है पेंडिंग पड़े हुए, तो ये क्या होगा स्पीडी मैनर में इसको सोल्व किया जा सकता है। इससे रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो अभी कम हुआ है तो ये बढ़ाया जा सकता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द सस्पेंशन ऑफ MPs कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि लोकसभा से उनके जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कांग्रेस के 7 MP को है इस सत्र के लिए यानी जो बजट सत्र है उससे निलंबित कर दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि जो रूल नंबर 373 है वो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है स्पीकर के। इसमें कहा गया है कि अगर स्पीकर की ओपिनियन में अगर ऐसा लगता है कि किसी मेंबर का जो बिहेवियर है वो ग्रॉसली डिजॉर्डर है या वो जो है मिसबिहेव करता है या इस तरीके से कार्य कर रहा है जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है, तो ये जो अधिकार लेने का मतलब कि ये निर्णय लेने का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास में है। सेकेंड है लाइक द स्पीकर द राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति को भी ये अधिकार है कि वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि ये जो अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के पास है ना कि राज्यसभा के सभापति के पास। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी। एक बार अब देख लेते हैं 11th क्वेश्चन क्या कहता है। ये है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 21 गिव्स द फंडामेंटल राइट टू एवरी पर्सन नॉट टू बी डिनाइड द राइट टू बी डिफेंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। ठीक है, यानी कह रहा है कि आर्टिकल 21 जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स है जिसमें हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। हर एक, यहाँ पर आप ध्यान रखिए यहाँ पर सिटीजन नहीं है, पर्सन है। तो हर एक, आप इस पर भी ध्यान रखिएगा, कहीं बार UPSC सिटीजन लिख देगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हर एक जो पर्सन है उसको ये अधिकार देता है कि उसको अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से सहायता मिलेगी और वो उससे इनकार नहीं कर सकता है। सेकेंड है आर्टिकल 38A जो है वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कहता है कि स्टेट दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर जस्टिस मस्ट नॉट बी डिनाइड बाई एनी सिटीजन बाई एनी रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिजेबिलिटी एंड प्रोवाइड अ फ्री लीगल एड। मतलब सिंपल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि जो संविधान का आर्टिकल 38 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, वो कहता है कि राज्य जो है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा ताकि उसको लीगल एड एंड फ्री एडवाइस मिल सके और इस बिना पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है या कोई और डिजेबिलिटी है, तो इस तरीके से स्टेट मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो समझ गए आप कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आप वकील को हायर नहीं कर सकते हैं या कोई आप केस नहीं लड़ना चाहता है, तब भी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वकील प्रोवाइड कराए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द किशोरी हेल्थ कार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो किशोरी हेल्थ कार्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है इट एम टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडोलेसेंट गर्ल वेट हाइट बॉडी मास इंडेक्स अलॉन्ग विद अदर सर्विसेज प्रोवाइड अंडर द स्कीम। तो ये जो है इसमें जो किशोरी हेल्थ कार्ड है उसमें किसी भी एडोलेसेंट गर्ल की इन्फॉर्मेशन को, जैसे उसका वेट कितना है, गर्ल की हाइट कितनी है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है या कोई और अदर प्रोविजन किया जाता है, तो उन सबको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, रखा जाएगा।
सेकेंड है कि किशोरी हेल्थ कार्ड फॉर एडोलेसेंट गर्ल आर मेंटेन्ड एट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो है इसको मेंटेन किया जाता है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं किशोरी हेल्थ कार्ड के बारे में। तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है किशोरी हेल्थ कार्ड के लिए। इसमें वहीं सब इन्फॉर्मेशन को जो है सेव करके रखा जाएगा जो एडोलेसेंट गर्ल के वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा इसको जो है इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जो ICDS स्कीम के अंतर्गत आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो है अगर ये न्यूट्रिशन से संबंधित इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, जैसे ICDS के कौन सी स्कीम है, एडोलेसेंट स्कीम कौन सी है, आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन करके एक फोल्डर बना हुआ है, आप वहाँ पर जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ करके एक मंथ का हम लोग कभी डिस्कस किए थे, वो अक्टूबर मंथ का ऐसा है, तो आप वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में एक्सेस कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ इन मैगजीन की अगर आपने MCQ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप अस लविंग, कीप अस मोटिवेटिंग। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।